हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और सुबह सुबह ही मैं लग गई हूँ चॉकलेट्स बनाने के लिए, क्योंकि आज हमको शाम को जाना है भाई दूज के प्रोग्राम में और पार्थ अपने सभी कजन्स को आज गिफ्ट करने वाला है होममेड चॉकलेट बॉक्स। रेड कलर में बटरफ्लाई वाले ये क्यूट से दिखने वाले चॉकलेट बॉक्स है, तो सभी बॉक्स में मैं चॉकलेट डालना शुरू कर रही हूँ। अपने हाथों से चीज़ें बनाकर किसी को गिफ्ट करने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। चॉकलेट बॉक्स बनकर रेडी हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं लग गई हूँ सभी पुरानी बुक्स को निकालने और उन सबको अच्छे से अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि हम आज जिनके घर जा रहे हैं उन मामा जी ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारे पास में पुराने बुक्स है बच्चों के तो उसे पक्का लेकर आना। इनकी एक पूरी टीम है जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स या जो भी ज़रूरत उन्हें है बच्चों को, तो उस चीज़ पर काम कर रहे हैं। और उनके स्कूल में एडमिशन से लेकर उन्हें बैग स्टेशनरी प्रोवाइड करना, और अभी ये जो बुक्स मुझसे मंगाई है उनके उन बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी बनाने वाले हैं जिसमें हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल रहेगी। बेडरूम में एक छोटा सा चेंज किया है मैंने। पहले यहाँ पर एक छोटा कॉर्नर टेबल हुआ करता था, अभी मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्टडी टेबल लगाया है। बहुत दिन से सोच रही थी कि अपने लिए एक अलग से स्टडी टेबल अरेंज करूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि अलग से अरेंज करने से अच्छा है कि साइड बेड के साइड में ही एक अपना छोटा सा स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हूँ, ताकि जब रात में जब मैं फ्री होती हूँ और मुझे अपने स्कूल और ट्यूशन से रिलेटेड जो भी कुछ काम रहता है, रिटर्न वर्क या फिर स्टडी वर्क जो भी रहता है, वो मैं बैठे बैठे या लेटे लेटे साइड्स में ही इजीली कर सकूं। तो बस जो भी चीज़ें मुझे बार बार लगती है स्टेशनरी से रिलेटेड या फिर जो भी बुक्स मुझे बार बार लगती है वो सब मैं इस टेबल पर रख रही हूँ, ताकि मुझे बार बार इधर उधर जाना ना पड़े और सब काम होने के बाद में मैं आराम से अपने बेड साइड पर ही सब चीज़ों को अवेलेबल पाऊँ और अपना काम अच्छे से फटाफट निपटा सकूँ। टेबल काफ़ी पुराना है, लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं इसे, और पेंट निकल चुका है, इसका जंग भी लग चुकी है। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं पेंट करके इसे फिर से दोबारा नया बना लूँगी। और ये मेरा फेवरेट टेबल है, क्योंकि ये दिखने में तो छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारा सामान हम अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। तो अभी हम सब निकल चुके हैं भाई दूज का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने, तो चलिए अब मिलते हैं भाई दूज के प्रोग्राम में। हमारी बहन बैठी है, ड्राइवर बैठे हैं,